కొందరు బరువు తగ్గిపోవాలని విపరీతంగా వ్యాయామం చేసేస్తుంటారు. దానివల్ల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది, అలసటగాను అనిపించి క్రమంగా వ్యాయామం చేయలేని స్థితికి చేరుకుంటారు. అందుకే రోజులో గంటకు మించి వ్యాయామం చేయకూడదు. మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు ఫ్యాషన్లోని నయాలు చూద్దాం. हाय, मेरा नाम मीता है और मेरे फर्म का नाम मंशा है। आज हम देखेंगे सूट पीस का कलेक्शन। ये मटेरियल्स हैं, ये सारे जो भी मटेरियल्स हैं उसका हम कलेक्शन देखते हैं। आइए, ये जो पहला पीस है वो एक रामा ग्रीन में है। ये जो लाइनिंग्स बनी हुई हैं, जो ये लाइनिंग बनी हुई है उसको हम लोग मोथरा बोलते हैं। लहरिया जनरली ये होता है कि सिर्फ लाइंस रहती है, जो बीच में ये जो डॉट्स आ रहे हैं आपके उसको हम लोग मोथरा बोलते हैं। ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा पीस है रामा ग्रीन कलर का और इसमें नेक वर्क दिया हुआ है ऑलरेडी। ये जो पूरा नेक वर्क दिया हुआ है वो गोटा पट्टी वर्क बोलते हैं। उसके साथ जो इसका कलर कॉम्बिनेशन किया हुआ है वो छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं, ये पिंक कलर के फ्लावर्स बने हैं। उसके साथ बीच में ये आपको एक सीक्वेंस वर्क दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद ये पूरा एक आपको ब्यूटीफुल सा नेक वर्क देते हैं गोटा पट्टी का। फिर पूरे जो कुर्ते में है, ये पूरे कुर्ते में आपको ये छोटे छोटे गोटा पट्टी के बूटी आ जाएंगे, ये पूरे कुर्ते में आएंगे। उसके बाद ये स्लीव्स आ जाएगा, स्लीव्स में भी आपको ये बूटी दिए हुए हैं। दोनों साइड जो स्लीव्स है उसके ये बूटीज़ दिए हुए हैं। इसको कोई भी कलर कॉम्बिनेशन इसके साथ अच्छा लगता है। आप इसके साथ वाइट कलर का दुपट्टा ले सकते हैं या फिर एक पिंक कलर का दुपट्टा ले सकते हैं। नीचे आप स्ट्रेट पैंट्स बना सकते हैं, प्लाजो या फिर लेगिंग्स अच्छा लगेगा ये। या फिर आजकल जो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है, जो अपना थोड़ा हेवी करने के लिए लुक, नीचे एक ब्रोकेट का स्कर्ट या बनारसी का स्कर्ट और ऊपर ये स्ट्रेट कट में कुर्ता बहुत परफेक्ट लगेगा। ये जो नेक्स्ट कुर्ता है ये भी एक मोथरा में है। इसका कलर बहुत ही सुंदर पिंक कलर है, बहुत डार्क भी नहीं बहुत लाइट भी नहीं, एकदम सूदिंग लगता है। मॉर्निंग और नाइट में दोनों टाइम बहुत अच्छा लगता है ये जो नेक वर्क है, फिर से ये नेक वर्क दिया हुआ है इसका और इसके नेक में ऑलरेडी गोटा पट्टी का वर्क है। गोटा पट्टी के साथ एक कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, पिंक और रामा ग्रीन कलर का जो कॉम्बिनेशन है बहुत सुंदर लगता है। इसका नेक वर्क के साथ आपको पूरे कुर्ती में आपको ये बूटी मिल जाएगा, कुर्ती के साथ साथ आपको ये स्लीव्स में भी बूटी लगेगा। इसके साथ आप कलर कॉम्बिनेशन के लिए कोई भी ग्रीन कलर का पैंट है, कुर्ती है, स्ट्रेट पैंट है, प्लाजो है, वो बहुत सुंदर लगेगा आपको। और इसको अगर आपको हेवी लुक देना है तो आप इसके साथ एक हेवी दुपट्टा आप टीम कर सकते हैं। जो अपना नेक्स्ट कुर्ता है वो लहरिया में है। लहरिया बहुत सारे कलर में बनता है पर जो बेसिक ट्रेडिशनल लहरिया का कलर होता है वो ये होता है। अब ये बहुत अच्छा लगता है, एकदम सूदिंग है, पेस्टल शेड्स है ये सारे, जो बहुत अच्छा लगता है। अभी जो समर सीज़न आ रहा है उसके लिए तो बेसिकली बहुत सुंदर लगेगा ये। इसमें नेक वर्क दिया हुआ है, नेक वर्क में आपको डिटेल्ड ये गोटा पट्टी का वर्क दिया हुआ है। उसके साथ ये बॉर्डर्स दिए हुए हैं, उसको कॉन्ट्रास्ट करने के लिए अपने बीच में जो पिंक कलर का उसको कंट्रास्ट दिया हुआ है। पूरे आपको कुर्ती में या आपको छोटे छोटे फ्लावर्स दिखेंगे गोटा पट्टी के, फिर स्लीव्स में भी आपको दिखेगा। आप इसको चाहते हैं तो ए लाइन के टाइप में या स्ट्रेट कुर्ती या फिर आप शॉर्ट कुर्ती पहनना चाहते हैं तो वैसे भी सिलवा सकते हैं। जो नेक्स्ट अपना कुर्ती का मटेरियल है वो मटेरियल है कोटा डोरिया। कोटा डोरिया में ये जो दिया हुआ है लाइनिंग दिया हुआ है वो लहरिया के साथ मोथरा है। इसमें एक डिटेल्ड आपको नेकवर्क दिया हुआ है, नेकवर्क में इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन कंट्रास्ट दिया है वो पिंक दिया हुआ है। बाकी आप इसके साथ वाइट दुपट्टा भी ले सकते हैं, पर पिंक अगर गोटा पट्टी का दुपट्टा लेते हैं तो बहुत हैवी सा और बहुत सूदिंग लगेगा। हल्दी के फंक्शन हो गया उसमें बहुत सुंदर ये लगेगा। दिन के टाइम पे येलो कलर बहुत अच्छा लगता है उसमें। फिर आपको ये पूरे बूटे दिए हुए हैं नीचे, अगर आप नीचे पाइपिंग करवाना चाहते हैं, स्ट्रेट कुर्ती से ला के नीचे कॉट पाइपिंग करा सकते हैं पिंक कलर का और पिंक दुपट्टे के साथ इसको डाल सकते हैं। हल्दी के फंक्शन के लिए एकदम परफेक्ट है ये, एकदम लाइट वेट है और समर सीज़न के लिए बिल्कुल अच्छा है। और फिर ये आपको स्लीव्स में एक बूटी दिया होगा तो आप आपको इसको 3/4 स्लीव्स या शॉर्ट स्लीव्स स्टिच करा सकते हैं। जो ये नेक्स्ट कुर्ता है अपना उसका जो मटेरियल है वो चंदेरी है। चंदेरी के ऊपर एक ये ब्यूटीफुल सा एकदम डिटेल्ड नेकवर्क आपको सीक्वेंस के साथ दिया हुआ है। इसका जो शेड है, कलर कॉम्बिनेशन है, ये जो हल्दी पीले के साथ ये जो पेस्टल ग्रीन कलर का शेड दिया हुआ है वो बहुत ही परफेक्ट है। उसके साथ ये पूरे एक हैवी नेकवर्क के साथ पूरे कुर्ती में आपको ये नीचे छोटे छोटे बूटे दिए हुए हैं। ये बूटे आप जो देख रहे हैं, बीच में आपको एक ये मोती दिया हुआ है, बाकी फिर सीक्वेंस का काम किया हुआ है। इसके साथ आपको फिर से ये नेकवर्क है, पूरा बूटा है कुर्ती में, उसके साथ फिर ये स्लीव्स में आपको ये एक आ जाएगा बूटा। ये जो नेक्स्ट कुर्ती है वो है अपने मटेरियल है चंदेरी है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्लू कलर है। ये ऐसा ब्लैक भी नहीं है पर बहुत ही डिटेल इंक ब्लू कलर है। उसमें फिर आपने चंदेरी मटेरियल के ऊपर एक हेवी नेकवर्क दिया हुआ है। नेकवर्क में दो दिया हुआ है, एक ये राउंड नेक दिया हुआ है, उसके बीच में फिर गोटा पट्टी का वर्क है, उसके साथ ये डिटेल छोटी छोटी मोतियों का वर्क है, फिर नीचे एक बड़ा सा पैच दिया हुआ है। ये जो बड़ा जो पैच दिया हुआ है वो बहुत ही एक हैवी लुक आपको देता है इस कुर्ती में। और उसके साथ ये पूरे कुर्ती में ये छोटे छोटे बूटे दिए हुए हैं। इसके साथ ये जो एक जो आपको हैवी लुक देता है, ये आपको एक कोई भी पार्टी में आप इजीली कैरी कर सकते हैं। इसका वेट काफ़ी लाइट है और इजीली कैरी कर सकते हैं आप उसको। इसके बाद ये जो छोटे छोटे कलर कॉम्बिनेशन है, आप चाहे तो पिंक कलर का दुपट्टा यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑरेंज कलर का दुपट्टा ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी सीक्वेंस का दुपट्टा हो या गोल्डन कलर का दुपट्टा हो, इसको आप हैवी बना सकते हैं। विथ और विदाउट दुपट्टा जैसा आपका मर्जी आप उसको पहन सकते हैं। नेक्स्ट जो कुर्ती का मटेरियल है वो है चंदेरी में। चंदेरी में एक ये गोटा पट्टी के साथ कॉम्बिनेशन किया हुआ है। ये जो कलर है वो बहुत ब्यूटीफुल सा ब्लू कलर है, बहुत डिफरेंट शेड है ये ब्लू का। जो नॉर्मली स्काई ब्लू होता है, सी ब्लू, उससे एक डिफरेंट कलर है ये। उसके साथ ये जो गोटा पट्टी का पूरा वर्क दिया हुआ है, उसमें फिर कलर कॉम्बिनेशन करने के लिए आपको ये पिंक कलर के साथ दिया हुआ है। ये डिटेल्ड नेकवर्क दिया हुआ है। आप इसको नेकवर्क के साथ ये बाकी के कुर्ती में पूरा आपको ये छोटे छोटे बूटे दिए हुए हैं, तो एक ये आपको हैवी लुक देता है। उसके साथ फिर ये स्लीव्स में आपको बूटे दिए हुए हैं। आप इसको स्लीव्स को 3/4 या फिर आप मेगा स्लीव्स पे बना सकते हैं। इसके साथ अगर आपको एक हैवी लुक चाहिए तो आप एक आजकल बनारसी दुपट्टे बहुत इन हैं, तो आप इसको एक पिंक कलर के बनारसी दुपट्टे के साथ पहनेंगे तो बहुत ही परफेक्ट लुक आएगा आपका। और अगर आपको एक नॉर्मल सा लुक चाहिए तो आप इसके साथ स्ट्रेट पैंट पहन लीजिए या फिर चूड़ीदार पहन लीजिए। विथ और विदाउट दुपट्टा दोनों बहुत ही सुंदर लगेगा आपका ये जो पीस है। जो अपना नेक्स्ट मटेरियल है ये कोटा डोरिया के ऊपर है। कोटा डोरिया में लहरिया के साथ अपना गोटा पट्टी वर्क है। ये बहुत ही ट्रेडिशनल वर्क है जो बहुत टाइम से चला आ रहा है, बट काफ़ी इन है। हमेशा आप कोई भी ओकेजन में नॉर्मल वेयर में आप पहन सकते हैं इसको। आइए अब इसका नेकवर्क देखते हैं। जो नेकवर्क है आपको गोटा पट्टी के साथ, इसमें दो कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, एक ब्लू दिया हुआ है, उसके साथ फिर एक ये रामा ग्रीन दिया हुआ है। इसमें नेकवर्क में डिटेलिंग है, बीच में आपको एक ब्लू का पाइपिंग सा है। उसके बाद ये सारे जो उसमें आपको ये गोटा पट्टी का छोटा छोटा बॉर्डर बूटा दिखेगा। बूटे के साथ साथ आपको स्लीव्स में भी ऐसे ये बूटा दिखेगा, तो आपको स्लीव्स के साथ ये पूरे कुर्ते में एक छोटा छोटा बूटा और प्लस एक हैवी जो है आपका नेक पीस बन जाएगा। इसको आप कोई भी वाइट कलर के साथ या फिर इस ब्लू कलर के साथ या फिर ये ग्रीन कलर के साथ आप इसको कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। इसका जो पैंट है आप उसको स्ट्रेट पैंट पहना सकते हैं या फिर आप चूड़ीदार यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहिए आप इसको कोई अगर मॉर्निंग में कोई शादी का कोई छोटा फंक्शन हो या कुछ भी छोटा सा फंक्शन हो, उसके लिए आप ये नीचे डोरिया कोटा डोरिया का एक आप स्कर्ट के साथ आप इसको पहन सकते हैं। काफ़ी प्रिटी लगेगा। ये देखिए చూసారుగా ఫ్యాషన్లోని నయా ట్రెండ్ ఇక క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేసేవారు ఆహారంలో ఒకేసారి విపరీతమైన మార్పులు చేయటం వల్ల కూడా బరువు అనుకున్నంతగా తగ్గదు. దానికి కారణం శరీరానికి సరిపడా మాంసకృతులు అందకపోవటమే. మాంసకృతులు తగినన్ని శరీరానికి అందినప్పుడు ఆకలి త్వరగా వేయదు, జీవక్రియల పనితీరు కూడా బాగుంటుంది. అంతేనా, కొవ్వు త్వరగా తగ్గి కండరాలు దృఢంగా ఉంటాయి.